कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा की बैठक गिलोटिन का इस्तेमाल करके भूपेश सरकार ने बजट पारित कर दिया है। कोरोना के खतरों को देखते हुए विपक्षी सदस्यों ने भी इस पर अपना समर्थन दिया, लेकिन 28 विधेयकों पर चर्चा नहीं कराए जाने से बीजेपी सदस्यों में गहरी नाराजगी जाहिर की और विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि संसदीय इतिहास का ये दुर्भाग्यजनक दिन है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विधानसभा का उपयोग किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि विधानसभा का संचालन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है, लेकिन भूपेश सरकार ने नई कार्यप्रणाली शुरू कर दी है जो कि परंपराएं सबने मिलकर बनाई थी, अब वह टूटती जा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते असर से हर कोई चिंतित है, हमने भी बगैर चर्चा बजट पारित कराया जाए। विपक्ष चाहता था कि आने वाले वक्त में राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित ना हो, लेकिन कार्यसूची में संशोधन विधेयक की लिस्ट कर उन्हें चर्चा के बगैर ही पारित किया जाना उचित नहीं करने के लिए उसमें लगाएंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। और ये जो सरकार है ये पूरी तरह कोरोना की लड़ाई लड़ने के बजाय राजनीतिक लड़ाई में लगी है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने चाहिए, पैकेज जारी करना चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं है इस सरकार में। कि जिस प्रकार से सारे प्रक्रिया और नियम को ताक में रख करके ये सरकार के द्वारा जो कार्यप्रणाली जो नई विकसित की है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक चिंतनीय विषय है कि जिस परंपरा को, जिस परिपाटी को पिछले समय में जो बना करके रखे हैं वो सारे परिपाटी टूटती जा रही है।